आज से कुछ साल पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसकी वजह से आज एक ऐसा सीन हुआ है कि एक ऐसा सीन हुआ है, मतलब काफी जैसा कि मैंने पहले बताया था, मैं आजकल हूँ लाहौर में और आज लाहौर में बहारें भी आई हुई हैं और तूफान भी आया हुआ है। बहारें इसलिए बिकॉज आज मेरा यूनिवर्सिटी का टूटा हुआ ग्रुप इधर इकट्ठा हुआ है। इहसान, आप तीन तवा चिकन कर दें। इब्राहिम, इमाद हमें और बारी बारी यहाँ देखना। और हम पांच बिछड़े हुए यार आज खाने आए हैं लाहौर में आरिफ चटखाड़ा की तवा चिकन। इस चीज इतनी मसाले वाली थी कि हर प्लेट में देखो कितनी हरी मिर्च है। ओए ओए, वैसे वाकई यार ये तो मैंने तो एक भी और नाक भी प्रूफ है, बारीक नाक भी एक बहुत बड़ी प्रूफ है। इसको जलाएंगे एक पिंपर चार साइज का मिलेगा का लान एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। हमारी सोच है क्या मिलेगा? अबे भाई ओल्ड लोगों के लिए होता है ना वो, इतने ओल्ड बोटे ओल्ड कहां होते हैं ओल्ड लोग क्या ऐसा ऐसा बुरा मान रहा है वो। और तूफान इसलिए क्योंकि हम पांच लोगों के अलावा इस कहानी में तीन लोग और होने चाहिए थे जो इस वक्त यहाँ पे नहीं है। पहले आता है। एक हमारी दोस्त जो इस्लामाबाद में है और नहीं आ सकी, और बाकी दो हमारे दोस्त जो इंडिया में है और वो भी ऑब्वियसली नहीं आ सके। और हमने यूनिवर्सिटी में इतना नेक्स्ट लेवल टाइम गुजारा है कि मैं क्या बताऊं आपको यार। बट यूनिवर्सिटी खत्म होने के बाद हम सारे अलग हो गए। मैं, इब्राहिम और बारी कराची में, हिसान भाई लंदन में और इमाद भाई मैनचेस्टर में, मेरी दोस्त मानूर इस्लामाबाद और हमारे दोस्त किसले और मेहंदी इंडिया। बड़ा ही कोई सैड मोमेंट था जब हम सारे अलग हो गए थे यूनिवर्सिटी खत्म होने की वजह से। उफ, बहुत सैड मोमेंट था। लेकिन उस टाइम पे उस सैडनेस को सेलिब्रेट करने के लिए मैंने बनाई थी एक नेक्स्ट लेवल वीडियो। मेरी हर दुश्वारी बस तुम तक, एक वीडियो जिसमें हमारी तीन साल की टॉप मेमोरीज की कलेक्शन थी जिसको हमने अपने आखिरी दिनों में देख देख के अपने आप को इतना इमोशनल कर दिया था कि मैं क्या बताऊं आपको यार। मतलब सही है, यूनिवर्सिटी ख़त्म हो रही है, सैड मोमेंट है माना, लेकिन यार ज़बरदस्ती अपने आप को जान जान के सैड करने की क्या ज़रूरत है यार। मतलब हम वो वीडियो रोज़ लगाते थे ताकि हमें बस ये फील होता रहे कि यार हमारी यूनिवर्सिटी ख़त्म हो रही है, पहाड़ टूट रहे हैं, अर्थक्वेक आ रहा है यार, बस सब ख़त्म हो रहा है। असल में हमारे दिमाग के अंदर इतना ज़्यादा बॉलीवुड घुस गया कि मैं आपको बता नहीं सकता। मतलब दिमाग ख़राब हो गया हमारा। जब तक कोई चीज़ फुली ड्रामेटिक और फिल्मी अंदाज में ख़त्म ना हो ना, मज़ा नहीं आता। I think हम पहले दिमाग में इतने बॉलीवुड स्लैश ड्रामेटिक स्लैश फिल्मी नहीं थे। उस वीडियो को देख देख कर उस टाइम को हमने इतना ज़्यादा इमोशनल कर दिया था कि आई थिंक हमारा दिमाग परमानेंटली चेंज हो गया। मतलब बताओ यार, हमारे जो दोस्त इंडिया में हैं वो इंडिया में हैं, लेकिन हमने वाघा बॉर्डर जाना है जस्ट सो दैट वो वीडियो थोड़ी बहुत ही सही लेकिन हमारे जहन में कम्प्लीट हो जाए। क्या करें, दिमाग खराब है तो खराब है,
और मेरा तो स्पेशली क्योंकि मैंने वो वीडियो बनाई थी। मेरे इतने इमोशंस जुड़ गए थे उस वीडियो से कि आप यूं समझ लें कि मैं उस वीडियो के इमोशंस थोड़े थोड़े आज तक अपनी हर वीडियो में कैरी करता हूँ। और शायद मुझे वीडियो मेकिंग के प्रोसेस से इतना प्यार भी ना होता अगर मैं वीडियो ना बनाता। मतलब शायद मैं ज़िंदगी में वीडियोस बनाने के लिए इतना इंक्लाइंड ना होता अगर मैं वो वीडियो ना बनाता। शायद मैं आज यूट्यूबर ना होता, शायद आज ये चैनल ना होता। और डेफिनेटली मैं आज आप लोगों से ना मिलता। नवीद बात सुनो, नवीद नवीद बात सुनो, तेरा एक फैन तेरे पीछे कब से भाग रहा है फोटो के लिए? कौन खिंचवाने खिंचवाने की माय गॉड, ओह माय गॉड फैन। लेकिन हम इस्लामाबाद तो जा सकते हैं, है ना? जा सकते हैं, चलो टक लिया। मेरी अकल दीवानी तुम तक, मेरी सकल जवानी तुम तक, मेरी अकल दीवानी।